बड़ी अपडेट ही करेंगे। दिल्ली की तिहाड़ जेल अब गैंगस्टर्स की दोस्ती का अड्डा बनने जा रही है। दावा इस बात का किया जा रहा है कि कल तक जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे वो अब हाथ मिला सकते हैं, और इसमें नाम लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया का शामिल है। और इस संकेत के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट दिखाई दे रही है और जेल में दोनों के गैंग पर पैनी नजर रखी जा रही है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद दो गैंगस्टर्स के बीच गैंगवॉर की आहट छिड़ी हुई थी। यह आहट देश की राजधानी दिल्ली में भी सुनाई दी। दोनों ही बड़े गैंग के सिंडिकेट अपने अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए खौफनाक साजिश रच रहे थे। इनका नाम है बिश्नोई गैंग और जग्गू गैंग। लेकिन अब देश की सबसे बड़ी तिहाड़ जेल में गैंगस्टर्स के बीच आपस में गठबंधन के संकेत मिल रहे हैं, यानी गैंगस्टर्स दुश्मनी भुलाकर आपस में हाथ मिलाने की फिराक में हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि देश और विदेश से एक्सटॉर्शन के लिए आने वाली कॉल्स का सारा नेटवर्क दिल्ली की तिहाड़ जेल से चल सकता है। कोशिश है कि फिरौती के धंधे को मिलकर पंजाब समेत देश के अन्य राज्यों में चलाया जा सके। सूत्रों की माने तो एक दूसरे के खून के प्यासे दुश्मन अब दोस्ती का हाथ मिला सकते हैं। तिहाड़ इनके गठबंधन का अड्डा बनेगा और यहीं से पूरा गैंग चलेगा। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया के बीच चल रही दुश्मनी को खत्म करके दोस्ती का हाथ मिलाने के लिए जेल में बंद कई नामी गैंगस्टर अपराध की नई बिसात बिछाने की फिराक में हैं। दोनों को मिलाने की तैयारी की जा रही है। पंजाब में जग्गू भगवानपुरिया का वर्चस्व है और लॉरेंस उसके साम्राज्य में बिना दोस्ती के नहीं घुस सकता। जेल में बंद कुछ गैंगस्टर जिनमें काला जठेड़ी, हाशिम बाबा और नरेश सेठी जैसे गैंगस्टर इन दोनों के बीच की दूरी खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक तिहाड़ जेल में गैंगस्टरों के बीच में गठबंधन के संकेत मिल रहे हैं। दरअसल कई गैंगस्टर इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद हैं, लेकिन कई गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ना चाहते हैं और इसी वजह से लॉरेंस के उन साथियों को तलाश कर उसके साथ दोबारा दोस्ती करवाई जा रही है जो कई सालों से उसके दुश्मन बन चुके थे। और इनके बीच में दोस्ती करने के लिए कुछ ऐसे गैंगस्टर शामिल हो रहे हैं जो इस तिहाड़ जेल में काफी समय से लॉरेंस बिश्नोई के नजदीक रहे थे। इन सब के पीछे की वजह है पूरे पंजाब में अपने नेटवर्क का फैलाव, जिसका फायदा पंजाब के बाकी गैंगस्टर्स को मिल सके। दुश्मनी भूलकर एक्सटॉर्शन का सारा नेटवर्क तिहाड़ से आराम से चलता रहे। खुफिया इनपुट मिलने के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट हो गई है। पुलिस की अलग अलग यूनिट गैंगस्टर्स के इस नए गठबंधन पर नजर रख रही है। सिद्धू मूसेवाला और टिल्लू ताजपुरिया की हत्या में गैंगवॉर ने उस चिंगारी का काम किया था जो दो बड़े गैंगस्टर्स के बीच आग लगा रही थी, लेकिन अब इस पर पानी डालने की कोशिश है। लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया कभी बेहद करीबी दोस्त हुआ करते थे, या यूं कहें कि जग्गू भगवानपुरिया से ही लॉरेंस ने क्राइम की दुनिया के गुर सीखे थे। पर अब दोनों के रास्ते अलग हैं, जिन्हें फिर से एक करने की कोशिश की जा रही है। शख्स को स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मुकुंद सिंह के पास से 25 पिस्टल और 50 कारतूस बरामद किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने कार के बूट स्पेस और स्पीकर्स में बड़ी मात्रा में हथियार और कारतूस छुपाकर ले जाने के लिए मॉडिफाइड सीक्रेट कैविटी बनाई थी। और अब ये बड़ा पर्दाफाश हो चुका है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कार में छिपाकर हथियार ले जाया जा रहा था और इसका भंडाफोड़ हो चुका है। लॉरेंस काला जठेड़ी को सप्लाई करता था ये हथियार। और आपको बताएं कि आरोपी मुकुंद सिंह के पास से 25 पिस्टल और 50 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। और तिहाड़ में बंद लॉरेंस अब पुलिस के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। लॉरेंस की धमकी से जुड़ा हर दिन एक नया ऑडियो वायरल होता रहता है। अब आपको ये बताएं, इस बार जो ऑडियो सामने आया है उसमें लॉरेंस बिश्नोई बुकी को 40 लाख की रकम भेजने की धमकी दे रहा है। दावा इस बात का किया जा रहा है कि इसी पैसे से सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए हथियार का सौदा भी हुआ था। और सोर्सेस के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, सिरदर्द बन चुका है पुलिस के लिए लॉरेंस बिश्नोई।
तिहाड़ की मजबूत दीवारें भी लॉरेंस विश्नोई के इरादे को तोड़ नहीं सकी। गैंगस्टर वाली छवि, गैंग वॉर के इरादे और फिरौती से फलता लॉरेंस का गैंग यहां से भी अपना सिंडिकेट चला रहा है। और इसका सबूत है वो ऑडियो जिसमें लॉरेंस बिश्नोई एक बड़े बिजनेसमैन को धमकी दे रहा है। लॉरेंस बिश्नोई ने साफ कर दिया है कि पैसे तो नहीं तो कच्चा चबा जाऊंगा। हेलो हेलो, हाँ भाई, भाऊजी आपका फोन कट गया था। मैंने कहा तो पहचानता ही नहीं गूगल भाई, तो रिकॉर्डिंग रुकिंग ला ली तो लगा लेना। जिस दिन मेरे धक्के चढ़ गए ना, तुम में से कोई भी तेरे आसपास के नजदीक के या तेरे परिवार के, तो मैं सारों को चबा जाऊंगा। और ये मेरी रिकॉर्डिंग कर लेना, बाद में केस करने में आसानी होगी तुमको। किस चीज का केस करने में आसानी होगी? जब मैंने काम मैंने गूगल ही बंद कर दिया, तो मैं किस चीज की केस की और किस चीज की? वो मैं इतने पैसे हर गया था, मैं तो खत्म कर चुका हूँ सारा काम 3 महीने पहले। आप पता तो कर लो बाजार में किसी से। किसी को बता देना कि मेरा फोन आया था और मैंने खाली फोन किए ही नहीं कभी। हमारे नाम पे फ्रॉड फोन चले गए अभी तक जितने गए हैं। ये बाबूजी आपको किसी ने गलत नंबर दे देता है, मैं तो छोड़ चुका हूँ सारे काम ही। बस सब कुछ छोड़ देगा भाई, राम राम, दोबारा नहीं करेंगे आपको फोन। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेन बिश्नोई का एक बड़े बुकी को किया गया फिरौती का फोन कॉल और लॉरेन बिश्नोई का एनआईए को दिया गया बयान इस बात की तस्दीक करता है कि कैसे लॉरेन बिश्नोई क्राइम कंपनी हिंदुस्तानी नहीं बल्कि दुबई तक बैठे बड़े हवाला कारोबारी और बुकीज से करोड़ों रुपए फिरौती में वसूल रही है और इन पैसों का इस्तेमाल गैंग के लिए अत्याधुनिक हथियार खरीदने में इस्तेमाल हो रहा है। यही वजह है कि एनआईए को दिए बयान में लॉरेन बिश्नोई ने खुलासा किया था कि फिरौती से वसूले गए पैसे का इस्तेमाल सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम देने के लिए हथियार खरीदने में किया था। सूत्रों के मुताबिक ऑडियो में जिस गूगल को लॉरेंस बिश्नोई धमकी दे रहा है वो गूगल एक फर्म का नाम है जिसमें 3 पार्टनर हैं। इसी कंपनी के एक मालिक सचिन जैन को लॉरेंस फिरौती के लिए धमका रहा था, जिससे उसने 40 लाख रुपए वसूले भी थे और इन पैसों को आगे गोल्डी बराड़ तक पहुंचाया गया था। दावा तो ये भी है कि इन्हीं पैसों से सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने के लिए हथियारों का सौदा किया गया था और इस बात का जिक्र एनआईए की लॉरेंस की इंटेरोगेशन रिपोर्ट में भी किया गया है। सूत्रों के मुताबिक ये बुकी भी जांच एजेंसियों की रेडार पर है और फिलहाल दुबई में मौजूद है। बिश्नोई का गैंग अब दिल्ली, पंजाब, यूपी, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान तक फैल चुका है। दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल से जबकि कनाडा से गोल्डी परा अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका से लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई और अजरबैजान से लॉरेंस का भांजा सचिन बिश्नोई गैंग चला रहा है। लॉरेंस बिश्नोई कई राज्यों की पुलिस के लिए कितना बड़ा सिरदर्द बन गया है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जेल चाहे किसी भी राज्य की हो, बिश्नोई की रंगदारी बेरोक टोक जारी है। लॉरेंस का इरादा सिर्फ पंजाब नहीं पूरे हिंदुस्तान में अपना गैंग फैलाने का है। एनआईए के मुताबिक लॉरेंस ने अपने टॉप 10 टारगेट बनाए हुए हैं, जिसमें नंबर 1 पर सलमान खान है। इसी लिस्ट में सिद्धू मूसेवाला का भी नाम था। और इधर हरिद्वार में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर अवैध वसूली मांगने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने चोरी के फोन से हरिद्वार के एक हार्डवेयर कारोबारी और रायवाला के 2 व्यापारियों से अवैध वसूली की मांग की थी और जान से मारने की उसके बाद धमकी दी गई। पुलिस की गिरफ्त में आए दोनों आरोपियों में एक चाय की ठेली लगाता है जबकि दूसरा गंगा में सिक्के बिनने का काम करता है। तो ये बड़ी अपडेट है, आपको बता दें इस वक्त लॉरेंस के नाम पर अवैध वसूली की कोशिश की गई और ये अवैध वसूली की कोशिश करने वाले 2 कारोबारियों को पकड़ा गया है, जिसमें से एक गंगा से सिक्के बटोरने का काम करता है, दूसरा चाय की ठेली लगाता है। इस पर हमने विशेष टीम बनाई थी, चूंकि 3 मुकदमे दर्ज हो गए थे और इस विशेष टीम के जो सुरागरसी की गई उसमें हमने 2 लोग को इस पर अरेस्ट किया है
जो तथाकथित रूप से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बताकर एक्सटॉर्शन की कॉल कर रहे थे, इनके द्वारा रेकी करके हरिद्वार और रायवाला क्षेत्र के व्यापारियों की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की गई थी और ये सोचते हुए उनके पास काफी धन है इनको कॉल की गई थी। लॉरेंस अपने गैंग के पंजाब से लेकर यूपी तक जो उसका गैंग है उसे मजबूत कर लेना चाहता है और इसके लिए वो शार्प शूटर्स की एक बड़ी फौज भी तैयार कर रहा है। आपको ये बताया एनआईए से पूछताछ के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने इस बात को कबूल कर लिया है कि गोल्डी बराड़ ने 2021 में अमेरिका से गोगी गैंग के लिए जिगाना पिस्तौल भेजी थी और ये वही पिस्तौल है जिससे अतीक और अशरफ की हत्या भी की गई थी। दावा है कि लॉरेंस के पास से हिट लिस्ट मिली है जिसमें सबसे ऊपर सलमान खान का नाम है। सबसे बड़ा गैंगस्टर, सबसे बड़ा पर्दाफाश, एक कबूल नामे से मचा हड़कंप। देश के सबसे बड़े गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने एनआईए के सामने सबसे बड़ा कबूल नामा किया है। एनआईए की पूछताछ में जो राजफाश लॉरेंस ने किया है उसमें उसने फ्यूचर प्लान के साथ अपने खतरनाक इरादों को जाहिर कर दिया। सूत्रों के हवाले से एनआईए पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई ने अपने नंबर वन टारगेट के बारे में तो बताया ही, साथ ही पूछताछ में सुरक्षा एजेंसियों को अतीक और अशरफ मर्डर पर भी बड़ा क्लू मिला। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने एनआईए के सामने खुलासा किया है कि उसने साल 2021 में गोल्डी बरार के जरिए अमेरिका से दो जिगाना पिस्टल गैंगस्टर गोगी को मुहैया कराई थी। अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या में भी जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि क्या अमेरिका से आई इसी जिगाना पिस्टल से अतीक और अशरफ की हत्या की गई थी। इतना ही नहीं, लॉरेंस ने एनआईए के सामने जैसे जैसे अपने मंसूबों को उजागर किया वैसे वैसे एनआईए अधिकारियों के भी होश उड़ गए। लॉरेंस ने पूछताछ में अपने टॉप 10 टारगेट के नाम भी उजागर कर दिए हैं। लॉरेंस की टारगेट लिस्ट में पहले नंबर पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर सलमान खान है और एनआईए से हुए सवाल जवाब में उसने यहां तक ऐलान कर दिया कि वो उसे हर हाल में मौत के घाट उतारेगा। ऐसा शक इसलिए भी गहरा जाता है क्योंकि पिछले एक साल में सलमान को कई बार धमकी दी जा चुकी है और पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। पहले भी सलमान खान को धमकी देने के मामले में लॉरेंस गैंग का नाम सामने आता रहा है। एनआईए सूत्रों के हवाले से न्यूज 18 इंडिया के पास लॉरेंस बिश्नोई का जो कबूलनामा है उसमें एक्टर सलमान खान, मूसेवाला के मैनेजर शगुनप्रीत, बम्बिया गैंग का लीडर मनदीप धालीवाल, गैंगस्टर कौशल चौधरी, गैंगस्टर अमित डागर, बम्बिया गैंग का एक और गैंगस्टर लकी पटियाला, गोंडर गैंग का गुर्गा रम्मी मसाना, गोंडर गैंग का सरगना गुरप्रीत शेखो, शूटर भोलू सनी लेफ्टी और अनिल लट शामिल है। एनआईए की पूछताछ में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई का हवाला कनेक्शन भी सामने आया है। पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई ने खुलासा किया है कि उसने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम देने के लिए हवाला के जरिए गोल्डी बरार तक 50 लाख रुपए पहुंचाए थे। बिश्नोई से पूछताछ में पर्दाफाश हुआ कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या का एक बाहुबली विकास सिंह उसके गैंग की मदद करता है, वही उसके गुर्गों को टास्क पूरा करने के बाद विकास सिंह उसे पनाह देता है। एनआईए से पूछताछ में भले ही लॉरेंस ने पर्दाफाश किया हो लेकिन उसके सामने इन्हें कोर्ट में साबित करना बड़ी चुनौती होगी। डिस्क्लोजर स्टेटमेंट तभी एडमिसिबल होता है एविडेंस में जब उस डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के बाद इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को कोई ऐसा फैक्ट रिकवर होता है जो पहले से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की नॉलेज में नहीं था। अदरवाइज डिस्क्लोजर स्टेटमेंट जो पुलिस कस्टडी में दिया जाता है अंडर सेक्शन 161 ऑफ CRPC इसकी कोई एविडेंशरी वैल्यू नहीं है। वही साल 2018 से लेकर 2022 के बीच लॉरेंस ने यूपी के खोरजा से अपने करीबी गैंगस्टर रोहित चौधरी की मदद और इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर जो मिल रही है वो आपको बता दें, मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। ये बहुत बड़ी खबर है मुख्तार अंसारी को, ये 31 साल के बाद बड़ा फैसला आया, आज दोषी करार दिया गया और अब उम्र कैद की सजा। तो मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। 2 बजे का लगभग समय रखा गया था जबकि सजा सुनाए जाने का ऐलान किया जाना था और अब जो
बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है वो ये कि मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। अवधेश राय केस में ये सजा सुनाई गई है। इसी साल आपको बता दें कि चार और मामलों में मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई गई थी, लेकिन ये सबसे बड़ा मामला था। और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे, हमारे सहयोगी अमित भी इस खबर पर जुड़ गए हैं। अमित, मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा? वाराणसी का एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुना दी है, और वो भी अवधेश राय हत्याकांड मामले